Okay, so welcome to FinTerm. This is Manish Agarwal. I'm a qualified chartered accountant and your tutor for the SBI. Okay, no problem. So I am starting some demo session. So पहले आपको हम थोड़ा ओवरव्यू देते हैं SBI के बारे में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं आगे, FinTerm में कैसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग को पहले समझ में आनी चाहिए. तो SBI आप लोग करने जा रहे हो, तो आपने ऑब्वियसली मतलब सब लोगों ने FR कंप्लीट किया ही होगा, ठीक है. तो कुछ चीजें आप लोग ने FR में जब करी होंगी, तो हम लोग यहाँ पे किस टाइप से करेंगे, क्योंकि SBR और FR में क्या डिफरेंस है वो पहले मुझे समझना पड़ेगा. तो FR जो हमारे पास था, पूरा FR इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और SBR इज अ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट. इसका नाम ही है स्टेचुटरी बिजनेस रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग रिपोर्ट करना है हम लोग को बेसिकली. तो व्हाट इज अ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के अंदर क्या है कि हम लोग को फुल फ्लेज थ्योरिटिकल सब्जेक्ट. एक्चुअली जैसे एफ आर हम लोग करते हैं, तो एफ आर में हम लोग को कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है. हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है, यहाँ पे थ्योरिटिकल कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है, ठीक है. और SBI का कोर्स भी हमारा काफी डेप्थ में है, तो हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इसके अंदर. तो हम लोग जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग एग्जाम देते हैं, क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, सब लोग यहाँ पे सब प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं. तो हम लोग को जो भी पेपर दे, हम लोग को एग्जाम करना है, तो दो चीजें हम लोग के पास होती हैं. एक होता है एग्जाम के अंदर पीडी सॉरी वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल. एक्सेल में हम लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना हुआ है दिखाना पड़ता है, और वर्ड फाइल में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने पड़ता है, ठीक है. तो हम लोग जो भी यहाँ पे करेंगे, क्लास में करेंगे, वो दोनों हम लोग यूज करेंगे. एक्सेल हम लोग यूज करने वाले हैं जितने भी, क्योंकि हम लोग अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ में, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग आगे कैसे चलने वाले हैं, ठीक है. तो आपको टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी आपको एक्सेल शीट मिलेंगी, ठीक है. क्योंकि हम लोग एक्सेल क्वेश्चन हम लोगों को कंसेप्ट समझने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए, वो थ्योरी समझने के लिए, थ्योरी में लिखना है, उस थ्योरी को समझने के लिए प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है, उसको हेल्प लेना पड़ता है. दो चीजों का हेल्प लेना है हम लोग को थ्योरी, क्योंकि हम लोग को मेन फोकस करना है. जैसे एफ आर में मेन फोकस करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर, प्रैक्टिकल करके देख ले मेरा काम हो जाएगा, सो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना है, थ्योरी के ऊपर, कंसेप्चुअल थ्योरी के ऊपर फोकस करना है. अब कंसेप्ट समझने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी होगी ना, वो जो जो लैंग्वेज एक्ट की जो लैंग्वेज है बेसिकली, वो हार्ड होती है. अब उस लैंग्वेज को अगर आपको डिकोड करना है, दो तरह से कर सकते हो डिकोड आप. पहला तरीका है डायग्राम और दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आते नहीं है. हाँ ऑब्वियसली तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, कोई भी जो कोई भी टॉपिक कर स्टार्ट करेंगे हम लोग, कोई भी टॉपिक, ठीक है. उसका पहले आपको उस टॉपिक को पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लो कि इस ये जो लिखा हुआ है उसको आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन. तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीज समझ में जाएगी ना, तो आप थ्योरी लिख पाओगे. हमें मगअप नहीं करना कुछ भी, मगअप 1% भी चीज मगअप नहीं करनी है. हाँ SBI में कुछ चीजें मगअप करनी होंगी, हम आपको क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पे थ्योरी में लिखना है. क्योंकि जैसे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत सारी चीजें आपको मार्क कराते चलेंगे टॉपिक के साथ में, कि इस टॉपिक से इस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इस टॉपिक से इस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है. तो वो आपको हम आपको स्टडी का पूरा तरीका बताएंगे, क्योंकि SBR में जरूरी ये नहीं है बहुत ज्यादा कि आप मेहनत करो, जरूरी ये कि आप पॉजिटिव मतलब सही डायरेक्शन मेहनत करो, क्योंकि तो कोर्स बहुत ज्यादा है. हम लोगों के बहुत ज्यादा उन टॉपिक पे फोकस करना है जो पास पेपर में आते हैं. जैसे डेफिनेशन है, हम लोगों ने FR में कभी डेफिनेशन को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है, लेकिन SBR में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि हम लोग को समझना तो है, बिना समझे तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उस डेफिनेशन को थोड़ा को लर्न भी करना पड़ेगा. उसका तरीका आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं. हम लोग क्लास में जो भी एक्सेल जो हम लोग क्लास में करेंगे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे, वो उसके नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको खुद के भी कुछ सेल्फ नोट्स बनाने हैं. वो नोट्स कैसे बनाने आपको बताएंगे. तो जैसे हम बात करें, जैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो टॉपिक को दो तरह से करेंगे. एक डायग्राम के फॉर्म में, पहले पूरे चैप्टर का डायग्राम समझ लो. ये टॉपिक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका पूरे पूरे चैप्टर का डायग्राम. वो डायग्राम हम लोग FR में नहीं करते,
आपने भी नहीं किया होगा, हम भी एफआर पढ़ाते हैं, एफआर में वो डायग्राम नहीं करा, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है डायग्राम की, लेकिन यहाँ बहुत जरूरत है डायग्राम की। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पूरे चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर ये 5 टॉपिक है, इस टॉपिक का क्रक्स क्या है वहां वो पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआर में बहुत डेप्थनेस की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत डेप्थ में करेंगे, एक एक लाइन को आपको समझा के चलेंगे, एक एसबीआर करने के बाद में एक भी लाइन ऐसा नहीं आओगा कि हम आपको एक एक कि आपको उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लाइन करवाएंगे आपको, पहले ओवरव्यू दो, फिर उसको डेप्थ में करेंगे, और ओवरव्यू दो तरीके से करेंगे, एक तो डायग्राम के फॉर्म में, वो आपको हर एक चैप्टर चैप्टर का डायग्राम मिलेगा आपको, और एक प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में काफी बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल हमको क्यों कराना पड़ता है, प्रैक्टिकल इसलिए कराना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल आएगा नहीं पेपर में, हम आपको पहले भी बोलेंगे प्रैक्टिकल पेपर में नहीं आने वाला है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, रीजन ताकि आपको थ्योरी समझ आ जाए, थ्योरी में क्या लिखा है। अगर थ्योरी को सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे ना, तो आपको थ्योरी समझ नहीं, क्योंकि वो डीकोड डीकोड करने के लिए आपको हमको प्रैक्टिकल समझाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एसबीआर लेंदी होगा हमारा, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने सुना होगा तो 60-70 आवर्स में एसबीआर होता है, लेकिन हमारा नहीं होता, हमको एसबीआर कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 80-90 आवर्स चाहिए कम से कम। रीजन हमने आपको बता दिया, रीजन क्या है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करना है, और प्रैक्टिकल के थ्रू डिकोड करना है थ्योरी को, ठीक है। तो वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के चलते हैं, तो कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रेमवर्क। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि हम लोगों को ये समझना है, अगर मान लो सपोज कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है हमारे पास, हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें तो व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क टॉकिंग अबाउट, सपोज बहुत सारे आईएएस ऐसे होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, सो टू रिकॉर्ड द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वी हैव IAS 16, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वी हैव IAS 40, टू रिकॉर्ड द इंटेंजिबल एसेट्स वी हैव IAS 38, टू रिकॉर्ड द इम्पेयरमेंट वी हैव IAS 36। वॉट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन विच वी हैव नो IAS एंड IFRS, जिसके ऊपर कोई IAS IFRS है ही नहीं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा, फ्रेमवर्क। सपोज आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन क्रिप्टो करेंसी, आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन गोल्ड, अब गोल्ड की अकाउंटिंग कैसे की जाएगा, हाउ टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, हाउ टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, वी डू नॉट हैव एनी IAS और IFRS ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्ड ऑन द क्रिप्टो करेंसी, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो कौन बताएगा, फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम लोग फ्रेमवर्क को अलग प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क कहाँ पे हेल्प करता है, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क में आपको देर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी विल यूज टू ड्राफ्ट द आंसर, क्योंकि आफ्टर क्योंकि आंसर ड्राफ्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन SBR। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है राइटिंग के ऊपर, FR में हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस के ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर नहीं करना है, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल थ्योरी में लिखने में आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आंसर ड्राफ्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आंसर ड्राफ्टिंग जब आप करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होती हैं, फिलर्स की तरह, फिलर्स, व्हाट इज द फिलर्स, फिलर्स इज मान लो सपोज आपने बोला कि एसेट्स के बारे में बात हो रही, तो पहले एसेट्स की जो डेफिनेशन, एसेट्स की डेफिनेशन, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट IAS 16, व्हाट इज IAS 16, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, इज द एसेट्स, इज अ नॉन करंट एसेट्स, बट IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन दिया हुआ है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन
फ्रेमवर्क एसेट्स की डेफिनेशन, जो फ्रेमवर्क में एसेट्स की डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी आपको एज अ फिलर डालनी पड़ेगी कि फ्रेमवर्क में एसेट्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो आंसर राइटिंग में अगर आपने फ्रेमवर्क को यूज किया हुआ ना कि आईएस, अगर मान लो सपोज कोई क्वेश्चन आया प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का, तो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का रेफरेंस तो देना ही है, आपको आईएस का रेफरेंस देना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एसेट्स के फ्रेमवर्क में एसेट्स की डेफिनेशन ये है, अगर आप इस तरह से यूज करोगे ना, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो हम लोगों को कम मेहनत करके कैसे पॉजिटिव इंप्रेशन के थ्रू ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, हम आपको आंसर ड्राफ्टिंग ऑब्वियसली बताएंगे, उसको सिखाएंगे कि आंसर ड्राफ्टिंग में किस स्टेप कम। तो टू ड्राफ्ट द आंसर देयर आर थ्री पोर्शंस, व्हाट इज द एक्ट, एक्ट में क्या है, ये आईएएस और आईएफआरएस में क्या है, व्हाट आईएएस एंड आईएएस टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक में हमारे सपोज कोई क्वेश्चन आया, अब वो क्वेश्चन आईएएस 16 से है हमारे सपोज, अब आईएएस 16 में क्या लिखा हुआ है, एक्ट में क्या लिखा है, तो फर्स्ट पैरा होगा हमारा एक्ट के बारे में, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट एक्ट, एक्ट क्या बात करता है, सेकंड एक्ट केस क्या है, एज पर द केस, केस क्या बात करता है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो मेरा जो आंसर ड्राफ्टिंग होगा हमेशा ऐसा होगा, एज पर द एक्ट, एज पर द केस, और एज पर द डिस्कशन, डिस्कशन कंक्लूजन क्या है हमारा, आंसर क्या है। तो कोई भी आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। तो जो एज पर द लॉ है उसमें लॉ में दो चीजें होंगी, हमारे आईएएस में क्या लिखा हुआ, हमारे फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट ऑफ द केस के बारे में बात करेंगे, जो हमारा केस है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वो केस केस क्या बोल रहा है एज पर द केस, और लास्ट में कंक्लूजन कि हमारा क्या कंक्लूजन है जिसके बेसिस पे मार्क्स देगा हमको। तो हमेशा हम लोग आंसर, हम लोग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो आपको जैसे मान लो सपोज हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट स्टार्ट किया, कोई फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम किट में दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को टॉपिक करना है, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम किट में, वो भी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ठीक है। तो पूरी केस स्टडी कंप्लीट करनी है, पूरी सारी स्टडी टेस्ट कंप्लीट करना है, एक एक लाइन उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं, प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं जो हमने खुद ड्राफ्ट किए हुए हैं, जबकि एग्जाम किट में नहीं है, जो आपके स्टडी टेस्ट में नहीं है। तो सर आपने क्यों ड्राफ्ट कर दिए, ड्राफ्ट इसलिए किए हुए हैं सो दैट यू कैन डीकोड द लैंग्वेज, सो दैट यू कैन डीकोड द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, क्योंकि आप जब डीकोड करते हो लैंग्वेज को, तभी आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो थ्योरी में, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप 700 पेजेस 800 पेजेस एज इट इज याद कर पाओ, अप्रोक्सीमेटली आपकी 500-600 पेजेस की बुक है, तो इम्पॉसिबल है याद करना, आपको वहां पे अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो आपको अपना समझना पड़ेगा, पहले वो कंसेप्ट का समझना पड़ेगा, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे। और उस कंसेप्ट को समझने के लिए दो तरीके, उस कंसेप्ट को याद रखने के लिए डायग्राम, और उस कंसेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिकल, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इवन दो तो इवन दो वो क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, वो क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्यों करना है, केवल और केवल डिकोड करने के लिए, लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। तो बहुत सारे आईएएस ऐसे हैं जो हम लोग को करने हैं, जैसे यहाँ पे रेवेन्यू, हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, नॉन करंट एसेट में बहुत सारे आईएएस है, जैसे आपने पता, आपको ही पता होगा आईएएस 16 है, दिस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, आईएएस 40 है, दिस टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाउ वी विल डील द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम लोग उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है एसबीआर में, क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों पास होना सबसे सिंपल है, एसबीआर में पास होना एफआर से भी सिंपल है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन दो, अच्छा जो डिनोमिनेशन होता है कैसा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी दो क्वेश्चन आता है, दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर आता है हमारे पास एसबीआर का, जिन्होंने इस प्रोफेशनल पेपर दिए उनको पता ही होगा हर पेपर ऐसे ही होता है। तो पार्ट ए का क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का होता है, एंड सेकंड पार्ट बी इज अ हैव टू क्वेश्चंस 25 ईच,
फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है पार्ट ए वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता है। अब कंसोलिडेशन आप ये मान लो कि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अगर हमने करवाया है वो दैट इज माई गारंटी कि अगर आपने वो क्वेश्चन जितना जितना हम लोग करेंगे जितना डिटेल में करेंगे कंसोलिडेशन हम लोग उतना डिटेल में अगर आपने अच्छे से कर लिया आपने रिवाइज कर लिया पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 पास्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो क्योंकि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कैसा होता है कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पास्ट पेपर से एज इट इज आ जाता है काफी टाइम। इस बार भी क्योंकि हमारे पास चार सेट पेपर बनते हैं एसबीआर में कोई भी पेपर में एसबीआर में चार सेट पेपर बनते हैं। चार सेट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है मेरे पास एग्जाम पेपर अलग हो जो मिस्टर बी उनके पास पेपर अलग हो मिस्टर सी उनके पास पेपर अलग हो मिस्टर सी डी जो चार स्टूडेंट है चारों स्टूडेंट के पास अलग अलग पेपर आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि पास पेपर अगर आपने सॉल्व किया अच्छे से पर 10 पेपर भी आपने 10 पेपर से आपने सॉल्व कर लिए तो आपका पेपर एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज तो नहीं मतलब फिगर्स आ जाते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी जरूरी है तो पास पेपर आप लोगों को सॉल्व करना ही है ताकि आपको कंसोलिडेशन हालांकि पार्ट बी में भी सिर्फ क्वेश्चन काफी टाइम से लेकिन पार्ट बी में सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते बाकी जो पार्ट बी का क्वेश्चन होता है पार्ट बी का क्वेश्चन जो होते हैं वो आईएएस आईएएस जितने भी आईएएस हम लोग करेंगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे उससे रिलेटेड होंगे लेकिन पार्ट ए का क्वेश्चन कंसोलिडेशन का ही होता है जिसमें हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है। हम लोग जो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियसली सैटरडे संडे को कि वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कंसोलिडेशन ताकि हम लोग कंसोलिडेशन को शुरू से कर पाए और कुछ ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। कि वह कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा जो हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन चैप्टर नंबर 18 19 20 21 ठीक है ये जो चार चैप्टर्स है। अभी सोचो चार चैप्टर में से 50 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप थोड़ा भी अच्छे से कर लिया ना मतलब आपने अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया ना 50 में से 35 मार्क्स इजिली आते हैं इजिली 35 मार्क्स। हम बहुत पैसिमिस्ट होकर चलें तो अभी 30 मार्क्स पैसिमिस्ट होकर चलेंगे और ऑप्टिमिस्ट होकर चलेंगे 35 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है 50 मार्क्स से जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हम नहीं कह रहे हैं कि आप 50 में 50 लेकर के लेकिन हाँ आप मान लो कि मिनिमम 35 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जो आपको पढ़ा हुआ होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। 50 मार्क्स जरूर होता है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना यू हैव टू अप्लाई योर माइंड जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस यूज करना पड़ेगा कि हाँ इसके बारे में ये लिखना है इसके बारे में लिखना है। तो 35 मार्क्स अगर आपके इजिली आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी जो पार्ट बी है 50 मार्क्स का पेपर है 15 मार्क्स तो इजिली आ जाएंगे आपके। हम आपको आंसर ड्राफ्टिंग इस तरह से करवा आपको सिखा देंगे कि आपको जो मिनिमम चीज अगर आपने उतना भी लिख दिया ना तब भी आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो 50 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील इन एसबीआर एसबीआर पास होना एफआर से भी सिंपल है। इवन हम कह रहे हैं एफआर की बात छोड़ दो जितने भी प्रोफेशनल के जितने भी टॉपिक्स आपने जितने भी टॉपिक करोगे चाहे आप ट्रिपल ए करो चाहे आप एएफएम करो चाहे आप एसबीएल करो चाहे आप एपीएम करो कोई भी टॉपिक करोगे सबसे सिंपल है पास होना है इसमें एसबीआर में। रीजन मैं आपको बता दिया कंसोलिडेशन अगर आपने केवल और केवल कंसोलिडेशन अच्छे से कर लिया जिसके ऊपर हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे पास पेपर के एग्जाम किट पूरी कंप्लीट करनी है अपने को जिसमें हम लोग पास पेपर क्वेश्चन करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग और पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी एक एक चीज मतलब जो चीज लिखी है उसका रीजन क्या लिखने का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है रीजन कि यहाँ पे इस आईएएस के अंदर वो चीज लिखी है तो क्यों लिखा है। अब दो तरीके होते हैं स्टडी करने के जो लिखा है हमने पढ़ लिया पास हो गया तो एक तरीका होता है ये होता है कि हम लोगों ने पढ़ा उसको समझा भी है क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज की डेट में आपको पता है कि ACCA का रीच 179 कंट्रीज में है। उसका रीजन है कभी आपने सोचा है 179 कंट्रीज में क्यों है उसका रीच क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आईएएस और आईएफआरएस यूज कर रही हैं अकाउंटिंग करने के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था पहले के टाइम पे हम लोग बात करें तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हुआ करते थे अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट हुआ करती थी यूके की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग हुआ यूके जो गैप्स हुआ करते थे दैट वर डिफरेंट यूएस के गैप्स डिफरेंट हर कंट्री के जो गैप हुआ करते थे जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज हुआ करती जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ करती बिल्कुल अलग अलग हुआ करती थी। तो अगर मान लो सपोज हम इंडिया के आई एम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमको मन है कि हम स्वीडन जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था पहले आपको स्वीडन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझना पड़ता था उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना पड़ता था तब आप स्वीडन जाकर के या पोलैंड जाकर के या यूके जाकर के या यूएस जाकर के आप अकाउंटिंग कर पाते।
आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में अगर आपको आईएएस आता है तो आप आईएएस अगर सीख गए हो, आप आईएफआरएस सीख गए हो, तो आप इंडिया में भी अकाउंटिंग कर सकते हो, आप यूएस में भी अकाउंटिंग कर सकते हो, आप यूके में अकाउंटिंग कर सकते हो, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, किसी भी कंट्री में जाकर के आप अकाउंटिंग कर सकते हो, ड्यू टू यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ आईएएस एंड आईएफआरएस। हर कंट्री का टैक्सेशन अलग होता है, हर कंट्री के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग बात करें, अभी आपको एसीसीए में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो? यूके का अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपको स्वीडन जाना है, पोलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको यूएस जाना है, हर कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने पड़ेंगे, आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे अलग से। अभी तो आप सिर्फ यूके के पढ़ रहे हो, आपको टैक्सेशन पढ़ना है, यूके का टैक्सेशन पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको कनाडा जाना है, आपको यूएस जाना है, तो उसके लिए टैक्सेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एसीसीए में जो रीच है वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ एफआर और आई इसके वजह से, आईएफआरएस की वजह से, कि आप 179 कंट्रीज में किसी भी कंट्री में जाकर के आप फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाकर काम कर सकते हो। तो जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो अपने टैक्सेशन के लिए जाने जाते हैं, वो अपने फाइनेंस की नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। वैसे जो एसीसी होता है ना, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जब निकलते हो, तो जो इंडस्ट्री होती है वो आप किस नजर से देखती है? कि इसके पास में आईएएस और आईएफआरएस की प्रॉपर नॉलेज होगी, कि जितना डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, जितना डेप्थ में एसीसीए में पढ़ते हैं, उतने डेप्थ में कहीं पे भी नहीं है कोई भी, चाहे सीपीए कर लो, हम सीपीए पढ़ाते हैं, सीपीए में भी इतने डेप्थ में नहीं है आईएफआरएस और आईएएस। तो जो एसीसी है, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में निकलते हो, जब बिग फोर वगैरह में जॉब के लिए जाते हो, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको 100% नॉलेज होगी टैक्सेशन की, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आपको 100% नॉलेज होगी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की, लेकिन उनको ये जरूर एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एसीसी बना है तो इसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आईएएस और आईएफआरएस की। तो बर्डन होता है आपके ऊपर, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, तो मेरे पास एक हम जब कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो उनको एक्सपेक्टेशन क्या होती थी हमसे, हमसे एक्सपेक्टेशन होती थी इसको 100% नॉलेज होनी चाहिए टैक्सेशन की, इसको 100% नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इसको 100% नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। वैसे ही आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री को कि यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, 100% नॉलेज ऑफ द आईएएस और आईएफआरएस, ठीक है? तो हम लोगों को वो फुलफिल करना है। पास होना इज नॉट अ बिग डील, हम फिर आपसे कह रहे हैं, पास होना इज नॉट अ बिग डील किसी भी, क्योंकि आप खुद से इमेजिन करो, 50-60% 40-50% रिजल्ट जाता है इवन प्रोफेशनल लेवल का भी, 40-50% में पास हो जाते हो। ये तो वर्ल्ड का आपको बता रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 40-50% रिजल्ट जाता है। इंडियंस तो वैसे भी बहुत इफिशियंट है पास होने में, इंडियन रिजल्ट तो बहुत अच्छा जाता है, तो पास होने का टेंशन तो आप लो भी नहीं। आपको टेंशन कहाँ लेना है? आपको लेना है टेंशन कि आपको कंसेप्ट बिल्डिंग किस तरह कर सकते हो। ये आपको ही पता है कि जो हम लोग पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं, जितना भी जो भी एक्ट है हमारे पास में आईएएस और आईएफआरएस का, लास्ट 12 ईयर 15 ईयर से हम सिर्फ आईएएस और आईएफआरएस में काम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स हो चुके हैं हमको सिर्फ आईएएस और आईएफआरएस में काम करते करते, इसमें कंसोलिडेशन, अकाउंटिंग सब यही करते हैं। हमको पता है कि आज की डेट में भी, इवन कल भी, हम सैटरडे को जब ऑफिस में काम कर रहे थे, इवन वहां पे भी हमको कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, डेली की ऐसी ट्रांजेक्शन आती है जहां पे हमको खुद को नहीं पता होगा अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आईएफआरएस और आईएएस द ओशियन समझो, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा ओशियन नहीं है। आपको हर एक दिन एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट का कल 25-30% लोग पढ़ेंगे, सिर्फ 30% अप्रोक्सीमेटली एसबीआर के अंदर, बाकी जो आप पढ़ोगे ना, वो आप जाकर के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पढ़ोगे। तो मेरा मेरा मोटिव सिर्फ आपको पास कराना नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया, मेरा मोटिव ये कि आपका थोड़ा माइंड ओपन हो जाए, ताकि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर के आप कैसे उन आईएएस और आईएफआरएस को फर्दर पढ़ सकते हैं, दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। हम सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आ रहे हैं कि आपको सिर्फ पास करा देंगे, पास हो आप वैसे भी हो जाओगे, एसबीआर इज नॉट अ बिग डील, आपको फ्रेंकली स्पीकिंग एसबीआर नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आपका माइंड किस तरह से ओपन हो जाए कि बाकी का अपने आप, बाकी का 70% भी तो अपने आप पढ़ना पड़ेगा ना आपको, बाकी का 60% अपने आप पढ़ना पड़ेगा, बाकी का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाओगे
जब आईएएस और आईएफआरएस प्रैक्टिकली आप यूज करोगे, तो आपके जब कोर कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे का नहीं पढ़ पाओगे, अपने आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको आप खुद आगे का खुद पढ़ना है हर चीज। हम तो ना हम तो केवल 30 आपके जो कोर्स में वो पढ़ा देंगे और 5-7% 10% ओवर एंड ओवर पढ़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम जो कंसोलिडेशन कराएंगे वो कंसोलिडेशन प्रैक्टिकली कराएंगे, मतलब विद जनरल एंट्री बताएंगे आपको कि जनरल पास प्रैक्टिकल वर्ड में किस तरह जनरल पास होता है। हालांकि हम लोग का जनरल एंट्री नहीं आती है, हमारे कोर्स में जनरल एंट्री नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है कि किस तरह से आप उस टॉपिक को यूज करके प्रैक्टिकल वर्ड में यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग 10-12% 10% एक्स्ट्रा हम लोग करना है, प्लस 100% पूरा कोर्स कवर करना है, प्लस हम लोगों को एग्जाम किट कवर करना है, प्लस हम लोगों को पास पेपर कवर करना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कवर करने के लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए, तो करीब करीब आप मान के चलो 80-90 आवर्स एटलीस्ट लगेगा अपने को, 80 आवर्स तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट जब स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते चीजों को, कि आज टुडे इज अ इंट्रोडक्शन क्लास, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे हम बात करें कि नॉन करंट एसेट्स, बहुत जगह आपने नॉन करंट एसेट्स पढ़ा होगा। नॉन करंट एसेट्स आपने जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स होता है, और बात करोगे कि बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट भी आता है, IS-16 में भी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग IS-40 में भी आता है, बहुत जगह लैंड एंड बिल्डिंग आता है। तो कैसे डिसाइड किया जाए, किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि इसकी अकाउंटिंग IS-40 में करेंगे, इसकी अकाउंटिंग IS-16 में करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंटिंग हो सकता है कि हम लोग अकाउंटिंग IS-5 में कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? यूज पे डिपेंड करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा IS-16 में, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे यूज कर रहे हैं, फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, फॉर रेंटल पर्पस, फॉर एडमिन पर्पस, अगर ये 4 पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंटिंग क्या करते हैं हम लोग IS-16 में करते हैं। वहीं अगर यूज चेंज कर दें हम लोग, सिर्फ बाकी कुछ नहीं, केवल यूज चेंज कर दिया हम लोगों ने किस पर्पस के यूज कर रहे हैं IS-40 में, अगर मान लो कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदा और मेरा पर्पस क्या है उस लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड बिल्डिंग का पर्पस है, खरीदने का पर्पस क्या है कि आज हमने 1 करोड़ का बिल्डिंग खरीदा, कल वो जब वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी उसकी तो हम उसको सोल्ड आउट कर देंगे और उससे गेन उठा ले लेंगे। पर्पस क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो उसकी अकाउंटिंग का कर रहे हैं IS-40 में कर रहे हैं। वहीं अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग एज अ इन्वेंट्री, मान लो मेरा पर्पस क्या है कि मेरा बिजनेस ही यही है, खरीदते बेचते, बिजनेस को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं और उठा के बेच देते हैं आगे, फिर खरीदते फिर बेचते, पर्पस क्या हो गया? बिजनेस पर्पस हो गया, इन्वेंट्री IS-2 में अकाउंटिंग करेंगे। तो वही लैंड एंड बिल्डिंग है, केवल पर्पस चेंज हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो IAS अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो वैसे जैसे अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास एक IAS आपने पढ़ा भी होगा FR में, IS-41 एग्रीकल्चर, तो वहां पे 2 चीजें कवर होती हैं IS-41 में, बायोलॉजिकल एसेट के अंदर होता है लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल। अब एनिमल की बात सुनते ही आपको क्या लगेगा, मान लो सपोज हमने कोई एनिमल खरीदा, वहां पे IS-41 में जो एनिमल कवर होता है कौन सा एनिमल कवर होता है? 2 पर्पस के लिए, क्या हमने एनिमल को खरीदा किस पर्पस से? अगर हमने एनिमल को खरीदा हार्वेस्टिंग के पर्पस से, कि खरीदते हैं एनिमल उसको हम लोग हार्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हमने एनिमल खरीदा उसको ब्रीडिंग पर्पस से, तो ही वो कहां कवर होता है IS-41 में, हर एनिमल नहीं कवर हो जाता है, पर्पस देखना पड़ेगा एनिमल का पर्पस क्या है। मान लो सपोज हमने कोई एनिमल को हमने कोई डॉग खरीदा, और डॉग का पर्पस क्या है खरीदने का? सर उससे ब्रीडिंग पर्पस है, उससे हम लोग पपीज ब्रीड करके पपीज लेते हैं, पपीज को उठा के बेचते हैं, फिर आगे पर्पस क्या हो गया? ब्रीडिंग पर्पस हो गया। उस डॉग की अकाउंटिंग क्या करेंगे IS-41 में करेंगे। सर अगर डॉग को हमने खरीदा, अभी हमारे क्लाइंट है, थोड़े टाइम पहले आपको बता रहे हैं, मेरे क्लाइंट है, उन्होंने डॉग खरीदे हैं US से $3 लाख के, सॉरी 3 लाख रुपीज के,
अब वो उनका पर्पस क्या था सर? एग्रीकल्चर इन्वेंट्री एक्सक्लूड फ्रॉम द करंट सिलेबस? नो, एग्रीकल्चर इन्वेंट्री नहीं, नहीं एक्सक्लूड हुआ बेटा, अभी आपके मार्च 23 के लिए इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर इन्वेंट्री दोनों है हमारे कोर्स में, एग्रीकल्चर इन्वेंट्री हमारे कोर्स में है बेटा, करंट राइट। आपने पूछा क्वेश्चन, अभी हमारे 23 में है क्वेश्चन, ये जो आपके पास बुक है वो 23 की है। बुक सर आई थिंक बुक में है, बट जो सिलेबस अपडेट है ACCA की वेबसाइट पे जो आता है उसमें चेंजेस हैं, आई थिंक एग्रीकल्चर इन्वेंटरीज नहीं है अब। जुपिटर जून में नहीं है शायद, अभी अभी ऑफिशियली कोई आया नहीं है, लेकिन जो अभी हम लोग ने भी थोड़े टाइम पहले बुक्स ली हैं उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन अभी वो ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है उसका कुछ, ठीक है? और अब जब तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन आएगा नहीं तब तक हम लोग उसको इंक्लूड करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है? हो सकता है हट जाए, वही हमारे हमारे पास भी आ चुका है, मेल आ चुका है कि शायद एग्रीकल्चर इन्वेंट्री हटेगा, लेकिन अभी हम लोग करके चलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले तो हो सकता है इसलिए, ठीक है? और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जाओगे, मान लो सपोज आप अमूल अमूल के ऑडिट पे गए, ठीक है, या टाटा टी के ऑडिट पे गए, टाटा टी के ऑडिट पे जाओगे तो वहां पे कौन सा आईएएस लगाओगे? एग्रीकल्चर का पूरी, अभी हम थोड़े टाइम पहले 1 साल पहले करीब अमूल के ऑडिट पे गए थे, तो अमूल के ऑडिट पे जब गए तो वहां पे जितने भी आईएएस लग रहे थे सब IAS 41 लग रहा था, पूरा आईएएस ही अकाउंटिंग IAS 41 से हो रहा था। तो आप बोलोगे सर हमने तो ACCA में पढ़ा ही नहीं, अब तक अकाउंटिंग नहीं आती, फिर ये तो नहीं चलेगा ना काम। इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस। इन्वेंट्री अगर आप हटा रहे हो, मतलब इवन जब हमारे पास मेल आया था, आप जब बोल रहे ना हमारे पास अभी मेल आया था, तो सब लोगों ने उनको मेल करा ACCA को कि आप ACCA में से इन्वेंट्री मत हटाओ। इन्वेंट्री अगर आप खुद इमेजिन करो, कोई भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाओगे, कोई भी कंपनी में, आप सर्विस इंडस्ट्री में गए तो अलग की बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो एज अ कंसल्टेंट, आप ऑडिट पे जा रहे हो, इन्वेंट्री का ही आपको अकाउंटिंग नहीं आती, तो कैसे कैसे अकाउंटिंग करोगे, कैसे करोगे आप उसको? अब जो मेन इंपॉर्टेंट आईएएस है इन्वेंट्री, वही हटाए दे रहे हो, तो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो वो लोग सजेस्टिव में पड़ा हुआ है, तो हो सकता है रखे भी, हो सकता है हटा भी दें, ठीक है, वो उनकी कॉल है, हटा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो आप खुद से सोचो, जब तक आपको इन्वेंट्री के बारे में पता ही नहीं होगा, कोई कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेंट्री नहीं होगा, इवन सर्विस इंडस्ट्री में भी इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री होता। अब इन्वेंट्री का टॉपिक इतना, इन्वेंट्री इज नॉट ए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है इन्वेंट्री, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री 100 आवर्स का, अगर हम सिर्फ सिर्फ हम क्लास में इन्वेंट्री 100 आवर्स कम से कम बोले तो भी शायद कम पड़ेगा, इन्वेंट्री इतना बड़ा टॉपिक है। हम लोगों पर हमारे कोर्स में नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे कोर्स में नहीं है, जैसे टूल्स है, टूल्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं पता ही नहीं हम लोग को। हाँ, हम हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेंट्री को तो ऑब्वियसली नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अभी उनको कॉल है, हटाते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर तो इन्वेंट्री के बारे में पढ़नी पड़ेगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जा रहे हो टाटा टी के ऑडिट पे, आप जा रहे हो अमूल के ऑडिट पे, आप जा रहे हो किसी और कंपनी जो एग्रीकल्चर में डील करती है, अभी तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर में डील करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, तो वहां पे कौन सा लगाओगे? वहां पे एग्रीकल्चर ही का ही काम करना पड़ेगा। इवन अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हमारे क्लाइंट उन्होंने डॉग्स खरीदे, तो उन्होंने उस डॉग्स को क्या कर दिया था, गलती से क्या, उनका जो सीए था, उनको सॉरी उनका जो अकाउंटेंट था, उन्होंने उस डॉग्स को 3 लाख रुपीज को पीएल में डाल रखा है। बाद में उनको बताया कि भाई अकाउंट उसको किस पर्पज से खरीदा, पर्पज क्या था आपका, पहले तो समझो पर्पज क्या है डॉग्स का खरीदने का। उन्होंने बोला सर मेरा पर्पस है सिक्योरिटी पर्पस, कि जो 4 डॉग्स खरीदे उनको हम लोग शाम को छोड़ देते हैं फैक्ट्री एरिया में, पर्पस क्या हो गया सिक्योरिटी, कहाँ अकाउंटिंग होनी चाहिए इसकी, अकाउंटिंग एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, IAS 16 में उसकी अकाउंटिंग होगी, उसको हमने फिर कैपिटलाइज करवाया 3 लाख को, उसको फिर हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। तो आपको जब तक पता नहीं होगा ना, जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, अभी हमारे क्लाइंट है उन्होंने बर्ड्स खरीदी है, बर्ड्स यूएस में बर्ड्स जो कलरफुल बर्ड्स होती है उन्होंने खरीदी है, अब उन्होंने क्या कर दिया उसको भी, उन्होंने भी पीएल में डाल रखा था, खर्चे में डाल दिया उन्होंने, एज एक्सपेंड दिखा दिया। बाद में मालूम चला कि उन्होंने जो बर्ड्स खरीदी है उन्होंने डेकोरेशन पर्पज से खरीदी है, उन्होंने गेस्ट हाउस बनवा रहे थे वो अपने क्लाइंट्स के लिए, गेस्ट हाउस बनवा रहे थे। अब जो गेस्ट हाउस उन्होंने बनवाया उसको उन्होंने गार्डन में रखा है, गार्डन में उन्होंने वो बर्ड्स लगानी है उनको डेकोरेशन पर्पज के लिए, कहाँ अकाउंटिंग होनी चाहिए, उन्होंने तो उन्होंने पीएल में डाल रखा था।
बाद में उन्होंने बहुत पूछा तो उन्होंने बताया कि सर ये तो उसे तो उनके अकाउंटेंट ने बोला नहीं सर इसकी अकाउंटिंग तो IAS 41 में होनी चाहिए, बर्ड्स है एनिमल है तो 41 में होनी चाहिए, नहीं वहां पे भी नहीं होनी चाहिए। पर्पस क्या है? डेकोरेशन, एडमिन पर्पस हो गया, उसकी अकाउंटिंग IAS 16 में होनी चाहिए। तो आपको जब तक उसका क्रच नहीं पता होगा ना, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं आप तो FIR करके आए, आपको पता होगा कि सर IAS 16 में लैंड एंड बिल्डिंग कवर है, बिल्कुल सही बात है। IAS 40 में लैंड एंड बिल्डिंग कवर है, बिल्कुल सही बात है। अब IAS 16 में पर्पस क्या है? रेंटल पर्पस है। IAS 40 में भी रेंटल पर्पस है। अगर मान लो कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और उसको पर्पस क्या है? रेंटल पर्पस है। सर हमारे रेंट IAS 16 में भी रेंटल पर्पस लिखा हुआ है, अगर मैं रेंटल पर्पस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तब भी IAS 16 में भी कवर हो रही है, IAS 40 में कहाँ अकाउंटिंग होनी चाहिए बताओ? कैसे पता करोगे? कोई बता सकता है? आप लोग तो आप सब लोग FIR करके आए हो, कोई बता सकता है? पहले तो आपको ये याद है कि नहीं, आपको ये रिमेम्बर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि लैंड एंड बिल्डिंग है और लैंड एंड बिल्डिंग तो IAS 16 में भी कवर होती है, IAS 40 में भी कवर होती है, रेंटल पर्पस IAS 16 में भी, रेंटल पर्पस IAS 40 में भी है, तो डिफ्रेंशिएट कहाँ हुआ, कहाँ डिफरेंस आया, कभी सोचा है? करण डू यू नो अबाउट अबाउट आई करण? नहीं थिंक सर वो यूज के बेसिस पे है कि कैपिटल एप्रिसिएशन है या नहीं जनरल कैपिटल पर्पस। एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन रेंटल पर्पस भी लिखा है। अच्छा नहीं आपको याद है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो एक मिनट रुको, चलो एक सेकंड ना। अब ये हमारे सपोज IAS इसकी बात करते हैं, हम लोग ये चैप्टर खोलते हैं 83 103 करते हैं, चलो देखो। अभी मान लो सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो पर्पस लिखा हुआ है हेल्ड फॉर द यूज, IAS 16 में क्या लिखा है? डिफाइन द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट एज अ टेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है IAS 16 में? फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? वो टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, आइटम दैट आर हेल्ड फॉर द यूज ऑफ, किस पर्पज के लिए? प्रोडक्शन। उस टेंजिबल एसेट्स को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? प्रोडक्शन पर्पज के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर्पज के लिए, और फॉर द रेंटल। देखो रेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो सर ठीक है, यहाँ देखो रेंटल पर्पज यहाँ भी लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ कवर है, रूल कवर है, रेंटल पर्पज यहाँ भी है। अभी देखो IAS 40 दिखाते हैं, एक एक लाइन का मतलब है, एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब है IAS में के अंदर, और वही हम लोग को समझना है। अब वो समझ में आता है, देखो IAS 40 आया, IAS 40 में तो लैंड बिल्डिंग कवर है, हाँ सर रूल कवर है, सर यहाँ भी तो रेंटल पर्पस कवर है, फॉर द लैंड एंड हेल्ड फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, हेल्ड फॉर द फ्यूचर यूज, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे देखो रेंटल पर्पस यहाँ भी कवर है, यहाँ भी रेंटल अर्न रेंटल, लैंड एंड बिल्डिंग IAS 16 में भी कवर है, IAS 40 में भी कवर है, रेंटल पर्पस IAS 16 में भी कवर है, रेंटल पर्पस IAS 40 में भी कवर है, दोनों में डिफरेंस कैसे? कहाँ अकाउंटिंग करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की अगर रेंटल पर्पस के लिए, तो दोनों जगह दोनों सेम चीज लिखी हुई है, तो इसको हम लोग को डिकोड करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि तो हमारे हमारा एक बहुत सारे क्लाइंट है जो होटल इंडस्ट्री में ही है, तो वहां पे डिफरेंशिएशन क्या है? अगर मान लो सपोज हम आपको दिखाएंगे, केस दिखाएंगे, पेपर में आया हुआ केस है ये आपके SBR में, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे क्लाइंट भी, उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग है उनका, उन्होंने उसके ऊपर होटल बना रखे हैं। अब होटल दो तरीके के हैं उनके पास, एक जो होटल है ना वो होटल कैसा है कि दो बिल्डिंग है होटल की, एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने जो होटल है वो बेसिकली कैसे देते हैं कि एक दिन के लिए कोई पर्सन आया, 2 दिन के लिए पर्सन आया, उस टाइप देते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी एमिनिटीज मिल रही हैं, लिफ्ट की फैसिलिटी भी है उसके अंदर, स्विमिंग पूल भी, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज दे आपको दे रहे हैं, एक बिल्डिंग तो वो है, और दूसरी बिल्डिंग है जहां पे वो क्या करते हैं कि जो कॉरपोरेट वाले होते हैं उनके जो क्लाइंट्स आते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने वो वहां पे रहते हैं, वहां पे एमिनिटीज कुछ भी नहीं है, रेंटल पर्पस देखो पहला भी रेंटल पर्पस है, फर्स्ट बिल्डिंग जो है वहां भी रेंटल पर्पस है, लोग आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहते हैं, एमिनिटीज को यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी एमिनिटीज है वो यूज करते हैं, और दूसरी बिल्डिंग है वो भी रेंटल पर्पस के लिए है, वहां पे कोई एमिनिटीज नहीं है, बस वहां पे क्या है रूम्स आपको प्रोवाइड करेंगे और 2 3 एमिनिटीज है, लिफ्ट की एमिनिटी है, स्विमिंग पूल है, वो 1 2 एमिनिटीज है बस। तो अगर आपको रूम्स के साथ बहुत सारी एमिनिटीज दी जाए
तो उसके अंदर आईएएस अलग लगता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे आईएएस 16 में। अगर आपको रूम के साथ जो रूम रेंट है उसके साथ एमिनिटीज ना दी जाए तो उसकी अकाउंटिंग ना करेंगे, उसकी अकाउंटिंग आईएएस 14 में करते हैं। ये कभी आपने पहले सोचा नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पहले नहीं सोची होंगी, जो आपको सोचना पड़ेगा। हम बात नहीं कर रहे कि एसबीआई को पास करने के लिए, एसबीआई तो वैसे ही पास हो गया, लेकिन पास करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? इसलिए सो दैट यू कैन यूज दोस कंसेप्ट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, वरना अदरवाइज तो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके भी क्या करोगे। वो जो उन्होंने करा था, उन्होंने डॉग्स को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के रखा था, उन्होंने बर्ड्स को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के रखा था, जबकि उसको कैलकुलेशन होना चाहिए था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है एक्चुअल में। वो सारी चीजें हम लोगों को देखनी है, ठीक है? चलो क्या, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली, मेरा मतलब ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पास में, हमारे कोर्स में, एसबीआर में, जो हम लोग समझ सकते हैं, नॉट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। पास तो पेपर को पास करने के लिए नहीं सर, समझ सकते हैं इसलिए ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके कैसे यूज करना है हम लोग को, ठीक है? तो हम लोग जितना भी जो भी टॉपिक करेंगे, हमने उसका रीजन आपको बताया कि प्रैक्टिकल भी करना है। रीजन क्या है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, आपको एक एक एग्जांपल देते हैं। आईएएस 19 की बात करते हैं, जैसे आईएएस 9 की बात करते हैं, आईएफआरएस 9 की बात करते हैं, या फिर आईएफआरएस 15 की बात करते हैं। तो आईएफआरएस 15 देखो, जैसे एक एग्जांपल देते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से। देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके पेपर में नहीं आने वाला, हम पहले ही बता रहे हैं। लेकिन ये एग्जांपल क्यों करना है सर? ये एग्जांपल आपके पेपर में नहीं आने वाला, ये एग्जांपल आपके पेपर में, ये देखो पूरा क्वेश्चन करके दिखाया है मैं आपको। इवन ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पेपर में नहीं कराई है। चलो एक एग्जांपल करते हैं, ये आपने करा होगा एफआरएस 15 में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। मतलब मान लो सपोज कि हम लोग, मेरे ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। मतलब मान लो सपोज कि करण मेरे पास में है, करण ने बोला कि सर हमको गुड्स खरीदने हैं। हमने कहा ठीक है, मुझे मान लो सपोज गुड्स नहीं खरीदने, मान लो सपोज करण ने बोला कि सर हमें आपकी क्लासेस लेनी है। हमने कहा ठीक है, करण ने बोला कि सर कितना प्राइस है? हमने कहा सर 20,000 का प्राइस है क्लासेस का। करण ने बोला कि सर मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं कि एक साल में मेरा एसी से कंप्लीट हो जाएगा, या 6 महीने मेरा एसी से कंप्लीट हो जाएगा, 6 मंथ्स जब मेरा जॉब ले जाएगा आपको पे कर देंगे। हमें कोई बात नहीं, आप एक साल पे कर देंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करण ने बोला ठीक है। अब लेकिन हमने करण से बोला कि आज की डेट अगर आप पे करते हो तो 20,000 है, लेकिन अगर आप एक साल बाद पे करते हो मेरा फीस तो हमको 25,000 पे करना पड़ेगा। तो 5,000 जो हम एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो किसके लिए प्राइस चार्ज कर रहे हैं? अब वो क्या फीलिंग क्या आ रही है, किस चीज के लिए चार्ज कर रहे होंगे? वो इंटरेस्ट है। अगर आप अभी आज पे कर देते हो, कैश प्राइस है गुड्स का या सर्विसेज का, कैश प्राइस 20,000 है, लेकिन हम लोग चार्ज कर 25,000 एक साल बाद या दो साल बाद उसको प्राइस जब पे होगा तब 25,000 पे करेंगे। तो 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो किसके लिए चार्ज कर रहे हैं? फाइनेंसिंग कंपोनेंट, दैट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट। क्या वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारा ट्रांजेक्शन का पार्ट बनना चाहिए? हमारा क्या सेल अमाउंट का पार्ट बनना चाहिए? क्या उतने अमाउंट से हमको सेल, मेरा जो सेल प्राइस है दैट शुड बी 25,000 और 20,000? हमें सेल कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करनी चाहिए? लॉजिकली सोचो, मन से सोचो, तो आपको चीज समझ आएंगी कि 20,000 से 20,000 से कॉस्ट रिकॉर्ड कर, सेल प्राइस रिकॉर्ड करना चाहिए कि 25,000 से? सर 20,000 से रिकॉर्ड करना चाहिए, 5,000 तो मेरी इंटरेस्ट इनकम है। सर उसको अलग कैसे करेंगे? अब 25,000 आपको दे दिया गया, अब उसमें कैसे मालूम चलेंगे करेंगे कि कितना अमाउंट उस 25,000 के अंदर कितना अमाउंट इंटरेस्ट का कंपोनेंट है और कितना सेल का कंपोनेंट है? सेल में रेवेन्यू में कितना दिखाएं और इंटरेस्ट अंदर कितना दिखाएं? तो सर अलग अलग करने का तरीका क्या है? उसका करने का तरीका पहले एग्जाम्पल समझो। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझो पहले। चलो मैं एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, तो आपको अच्छा और अच्छे समझेगा क्या बोल रहे हैं हमारे से। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, रूट कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल द इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2001। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया रूट कंपनी के साथ में दैट वी विल सेल योर इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2001। कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन दैट डेट। हम लोगों ने कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया उसी दिन जिसने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस दिन हम लोगों ने एसेट्स दे भी दिया।
द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 मिलियन, ट्रांजेक्शन प्राइस कितना 1 मिलियन, सर 1 मिलियन लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन प्राइस इतने का अमाउंट, सेल प्राइस आप रिकॉर्ड कर दो, नहीं। एंड द ड्यू डेट ऑन 30 दिसंबर 2023, कब मिलेगा पैसा, 2003 में पैसा मिलेगा। सर इफ वी यूज अ थर्ड पार्टीज विल बी यूज इन द IS-40, प्रियापाल इफ यूज बाय थर्ड पार्टीज विल बी यूज इन द, प्रिया क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका, इफ यूज बाय थर्ड पार्टीज, थर्ड व्हाट इज थर्ड पार्टीज, वो भी करेंगे हमें वैसे समझ में आ गया, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं आप पूछो एक बार। एक्चुअली जब आप वो IS-16 और IS-40 में डिफरेंस बता रहे थे, मींस आई कौन सा IS-16 में यूज कर कैसे कौन सा IS-40 रेंटल पर्पस यूज कर, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल देखा था कि अगर थर्ड पार्टी अगर क्लाइंट नहीं यूज कर रही होगी, मींस पेरेंट और सब्सिडियरी यूज कर रहे होंगे तो उसको IS-16 में रखेंगे, अगर इनके थर्ड पार्टी यूज करेगी नाइदर पेरेंट और नाइदर सब्सिडियरी तो उसको IS-40 में इसके अकाउंटिंग करेगी। नहीं उसके उसका हमने पूरा केस अभी आपको वो भी बताते हैं, वो भी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अभी हमारे, हाँ हम वो भी केस आपने जो बोला ना उसको भी एक्सप्लेन करते हैं हमारे अभी। हम आपको होटल के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, इवन हमारे हमारे फैमिली में बिजनेस है होटल का, उसका हम सारे सिनेरियो को बता के चलेंगे वहाँ पे। हालांकि आपके बुक्स में कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, फिर भी आपको सिनेरियो बताते हैं इसके बारे में, पहले ही एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको सिनेरियो बताते हैं आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा बताते भी। चलो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, 1 मिलियन है, ठीक है, तो कब मिलेगा 2003 में, हमने कब करी सेल करी 2001 में, और पैसे मिलेंगे 2003 में, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा सिर्फ 2 साल बाद पैसे मिलेंगे, इसका मतलब है कि 1 मिलियन के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट दो तरीके से होता है, जब ट्रांजेक्शन प्राइस कैश प्राइस, जो कैश प्राइस होता है जो ट्रांजेक्शन प्राइस होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। सर कैश प्राइस 20,000 पे करके क्लास खरीद सकते हैं, या फिर आपको 1 साल पे करेंगे करना, अगर 1 साल पे करेगा 25,000, तो आपको तुरंत आपको समझ आना चाहिए कि 5,000 किसके लिए चार्ज कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट के लिए चार्ज, दैट इंटरेस्ट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सेल प्राइस। या फिर हम जो ट्रांजेक्शन प्राइस है आपसे करण से बोला कि बेटा ठीक है आप 1 साल पे कर देना, 25,000 पे कर देना, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि सर ने इसका मतलब 25,000 चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर है कि ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होंगे, इसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर से इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग करना पड़ता है। सर वो कैसे अलग करते हैं अभी आपको बताते हैं, तो आपको तुरंत समझ आ गया कि सर 1 मिलियन चार्ज कर रहे हैं एसेट्स के लिए और 2 साल पैसे लेंगे, 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम गैप देख रहे 2 ईयर्स का है, इसका मतलब है जरूर 1 मिलियन के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, ठीक है सर। और 1 मिलियन को किस तरह से करेंगे, तो हम लोग ने रेवेन्यू में IS-15 बोलता है कि यू हैव टू डिस्काउंट, you have to discount that 1 million, उसको पहले present value में convert करना पड़ता है। सर present value के लिए आपको आपको याद होगा तो हम लोग class 6th-7th में हम लोगों ने maths में formula पढ़ा था पर future value का, future value is equal to present value 1 plus r, what is the r, rate of interest upon 100 power n, आपने FM में पढ़ा होगा, क्योंकि FM में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं discounting, FM में तो discounting discounting है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग वही डिस्काउंटिंग की बात होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिलियन को जो फ्यूचर वैल्यू है जो 1 साल बाद 2 साल बाद मिलने वाला है, उसको हमने क्या किया, पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू 1 plus r, व्हाट इज द r, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 power 2, क्योंकि 2 साल बाद कैश मिलेगा, तो हमने पहले 1 मिलियन को क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 826,24,446, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 मिलियन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 826,000 है ये मेरा कैश प्राइस है, इसके अंदर जो ओवर एंड अबव है वो मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले क्या किया, 1 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, और जब 1 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, अब इतने अमाउंट से क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सर किस दिन, जिस दिन एसेट बेची 31 दिसंबर 2001 को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर्स को डेबिट करेंगे हम लोग और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स को, क्योंकि हम लोग को 2 साल पैसे मिलेंगे तो डेटर को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग इफेक्ट हमने दे दिया। सर ये अकाउंटिंग इफेक्ट क्या, हम लोग को जल एंट्री बनानी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए सर, हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो कोर्स में नहीं है, हम आपको फिर भी करानी पड़ती है, ठीक है, तो सर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको लॉजिकल क्या होगा कि आपने अकाउंटिंग एंट्री बनाई, सर अकाउंटिंग एंट्री बना दी हम लोगों ने, IS-15 में उन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सर एक प्रॉब्लम आ गई, क्या डेटर को सबने इतने डेबिट करा, जबकि हमको तो डेटर से पैसे लेने 1 मिलियन,
आपने तो गलत रिकॉर्ड कर दिया डेटर्स को डेबिट करके, आपको तो 1 मिलियन डेबिट करना सीधा डेटर को, आपने डेटर्स रिकॉर्ड किया सिर्फ 26,000। तो हमें क्या करना पड़ता है, अनवाइंडिंग अप करना पड़ता है, जो आगे का स्टोरी है। आगे की स्टोरी कहीं नहीं, कोई नहीं बताता, आगे की स्टोरी कोई नहीं बताता, ना आई IFRS में लिखी हुई है। ये कैसे आती ओवर द टाइम नॉलेज से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। तो कई बार, एक बार एक स्टूडेंट ने बोला क्लास में, बोला कि ये FR का टॉपिक एक्चुअली, तो FR में उसने बोला कि सर डेटर को आपने 1 मिलियन से डेबिट करना चाहिए था, पैसे तो 1 मिलियन आने वाले हैं ना, आपने 826 कर रखा है, 826,000। तो हमें यह करना पड़ता है, अनवाइंडिंग अप करना पड़ता है उसका। अनवाइंडिंग अप करते टाइम पे जब 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, 826,000 का, 826,446 का, ठीक है, ये कब का है, 1 जनवरी 2002 का। इसको अनवाइंडिंग अप करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगेगा, मतलब 2002 में नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसका 10% हमने इंटरेस्ट लगा दिया। इंटरेस्ट जब लगाया तो 31 दिसंबर 2002 को आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, डेटर्स को डेबिट करना पड़ेगा कितने से, इंटरेस्ट के अमाउंट से, और फाइनेंस इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये फाइनेंस इनकम कहाँ चला जाएगा, ये मेरी बैलेंस शीट में, सॉरी पीएल में क्रेडिट साइड चला जाएगा। और डेटर्स की वैल्यू कितनी थी, डेटर्स की वैल्यू मेरी ओपनिंग वैल्यू ये थी, ये वैल्यू थी, इसको हमने ऐड किया इतने से डेटर की वैल्यू, क्योंकि हमने जब जैसे जैसे एंट्री पास करेंगे मेरी डेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से, मेरी डेटर की वैल्यू कितनी हो गई, होगी 9,09,090 रुपीज। कब की, दिसंबर 2002 की। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया जनवरी 2003 के लिए, ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया ये। फिर हमने इंटरेस्ट लगाया इसके ऊपर, फिर हमने इंटरेस्ट लगाया 10% 2003 में, फिर हमने जनरेटरी पास किया, डेटर को डेबिट किया, फाइनेंस इनकम को क्रेडिट किया, फाइनेंस इनकम को क्रेडिट किया, ये मेरा कहाँ चलाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में, ये कहाँ चलाएगा, डेटर में इंक्रीज होगी वैल्यू। अब मेरे डेटर कितने के हो गए, देखो 1 मिलियन के। तो आपको धीरे धीरे डेटर आपने बढ़ाया, और जो करस्पॉन्डिंग फाइनेंस इनकम है वो कहाँ चलाएगा, क्रेडिट साइड इनकम में चला जाएगा। अब जब देखोगे तो आपके 2 साल बाद 2003 में जब पैसा मिलने वाला है डेटर से, तो आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी होगी बैलेंस शीट के अंदर, बन गई। और 31 दिसंबर 2003 को, आपके डेटर्स को आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश को डेबिट करोगे जब पैसा मिलेगा, और डेटर्स को क्रेडिट कर दोगे, डेटर खत्म होगा आपके 1 मिलियन। तो आपको ये साथ के साथ ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप बी कोड नहीं कर रहे हो, सिर्फ पास होने के लिए, जो कि आपका मोटिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी सबका अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। तो ये जब आपको एक्स्ट्रा करना है, वो एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा कर सकते हो सिर्फ डी कोड करके, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इसीलिए टाइम हमने फिर से आपको शुरू से बोल रहे हैं, इसलिए SBR करने में हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत है और करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए वो भी आपको बताया, ठीक है, क्यों करनी चाहिए वो भी आपको बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपसे बहुत ज्यादा ACCA से ही एक्सपेक्ट है, क्योंकि हम खुद हायर करते हैं ACCA को। तो जब हम खुद इंटरव्यू लेते हैं, हम खुद पूछते हैं, क्योंकि हमें कुछ कोई मतलब नहीं, हम सिखा देंगे ऑडिटिंग, हम सिखा देंगे टैक्सेशन, हमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं भी आता तो चलेगा, लेकिन हमने हमेशा एक ACCA से एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है दैट यू मस्ट हैव द 100% नॉलेज ऑफ IAS एंड IFRS, उसके आपको 100%, क्योंकि वो अगर उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वही उसी के तो ACCA कर रहे हैं। ACCA का मेन कोर क्या है, क्यों कर रहे हैं ACCA कर रहे हैं हम लोग, मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ IAS और IFRS समझ नहीं, हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसको कह ये बोलना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि APM या AFM, FM भी ऐसे ही, FM में भी, FM क्या है, अगर आप FM लेते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो FM लेते हैं, उनका हम FM हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन FM के रीजन क्या है FM करने का, ये SBR का रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो हर कंट्री का लॉ अलग होता है, हर कंट्री का टैक्सेशन अलग होता है, हर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन हर कंट्री का फाइनेंस अलग नहीं होता, हर कंट्री का IAS और IFRS अलग नहीं होता। इसीलिए ग्लोबल रीच क्यों बोलते हैं, 179 कंट्रीज में कहीं भी जाके काम करो, कनाडा चले जाओ, US चले जाओ, US में हालांकि अभी IAS और IFRS नहीं लगते हैं, UK चले जाओ, यूरोपियन कंट्री को भी चले जा सकते हो, कनाडा, सॉरी स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, किसी भी कंट्री में चले जाओ, IAS और IFRS लगते हैं, तो ग्लोबल रीच आपको मेन मिलती है। तो आपको बेसिकली रीजन क्या है बार बार बोलने का, कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी इज अ मस्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। खैर, तो ये मैं आपको बताया, इसका
तो एग्जाम्पल दिया, अब ये एग्जाम्पल देने के बाद जब थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपको थ्योरी समझ आती है, तब थ्योरी डिकोड हो पाती है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए करने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए करने पड़ते हैं ताकि आप थ्योरी को डिकोड कर पाओ। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम ऐसे भी थ्योरी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ ना, इसकी थ्योरी आपकी बुक में केवल 3 लाइन की दी हुई है, 3 लाइन्स की दी हुई है, सिर्फ 3 लाइन्स। और 3 लाइन्स को डिकोड करने में कितना टाइम लगेगा हमको, कम से कम 2 मिनट, लेकिन नहीं कर सकते। पहले आपको एग्जाम्पल समझो, और एग्जाम्पल समझने के बाद थ्योरी पढ़ो, तो आपको डिकोड हो पाएगा, तो आपको समझ जाएगा तो लिखा क्या है। अदरवाइज आपको वो चीज जो लॉजिकली क्लियर नहीं होगी, ब्लाइंडली समझ जाएगी कि हाँ ठीक है ये सर ने बताया, ये हमें मान लिया। जब प्रैक्टिकल करने के बाद जब करते हो ना, तो आपको चीजें समझ आती है कि अच्छा ये रीजन है, ये लिखा है इसलिए लिखा हुआ है, अदरवाइज तब तक ये समझ में नहीं आता कि ये रीजन क्या है इसका लिखने का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जो कि आपको मैसेज बियर करना पड़ेगा। ठीक है, खैर तो ऐसे ही है। यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग कोर्स कंटेंट पे। तो जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ आईएएस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम, और उस आईएएस के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको बात करते हैं शेयर, सॉरी लीजेस की, लीज की। तो लीज कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ करके, एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो सपोज आपको दिया गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का हो सकता है कि कैसे पता चलेगा कि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, और कैसे पता चलेगा लीज कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो सपोज हमने कोई ट्रक लीज पे लिया है, सर वो कॉन्ट्रैक्ट लीज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आप कैसे बोलोगे कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट, आपने ये लीज पे लिया वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग ना होगी IAS 16 में हो सकती है। कोई ऐसे तो हमने लीज पे लिया है, हमने सर्विस पे लिया हो सकता है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देते हैं, अभी एग्जाम्पल देते हैं, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने एक जगह एयरपोर्ट पे, उन्होंने एक जगह ली हुई है, एक कैस्को लगाते हैं बेसिकली, वो जो आप देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे शॉप्स होती है छोटी छोटी, और कुछ शॉप्स तो प्रॉपरली बनी होती है, कुछ कैस्कोज वगैरह में टेंट वगैरह पे लोग गुड्स अपने बेचते हैं। तो उन्होंने वहां पे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट पे और बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर उन्होंने जगह ली हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो गए बात करने के लिए, उन्होंने क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे एग्जिट बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जिट गेट्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे गए कि उन्होंने बोला दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि हम आपकी एक जगह लेना चाहते हैं 30 फुट बाई 30 फुट, मतलब 30 बाई 30 का मेरा टेंट रहेगा, कैस्को रहेगा, उसको हम आपको लगाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, एग्जिट गेट पे उन्होंने बोला कि हम आपको एग्जिट गेट अपॉइंट कर रहे हैं, गेट नंबर 2 पे आप जाकर अपना कैस्को लगा सकते हो और ये अमाउंट रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम लोगों ने जगह ली है, जो 30 बाई 30 की जगह ली है, अब उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाए कि उसको लीज अ कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, तो उसके ऊपर भी रीजन है कि अगर जिससे हमने एसेट लीज पे ली है, अगर उसके पास राइट है एसेट को सब्स्टिट्यूट करने का कि जब चाहे, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था उन्होंने कि जब चाहेंगे, अथॉरिटी ने लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में, जब चाहेंगे तब उस कॉन्ट्रैक्ट इस कैस्को को उठा करके हम लोग दूसरे एग्जिट गेट पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अभी आपको गेट नंबर 2 दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आउटफ्लो है, जब से जो लोग निकलते हैं और गेट नंबर 2 से निकलते हैं, लेकिन अथॉरिटी की इच्छा होगी ना तो उस कैस्को को रिप्लेस कर देंगे कि गेट नंबर 2 से हटाओ, उसको गेट नंबर 4 पे लगाओ, गेट नंबर 5 पे लगाओ, गेट नंबर 6 पे लगाओ। तो अगर एसेट्स को, जो जगह है मेरे 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 केस में, मेरे क्लाइंट के केस में जगह क्या थी, वो 30 बाई 30 की जगह थी, वही तो लीज पे लिए था हमने, वो जो जगह थी वो रिप्लेस कर सकता था कौन, लेसर। और ऐसा करना लेसी के, सॉरी लेसर के बेनिफिट में था, अगर ऐसा है तो उसको फिर लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसको फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और उसके जो उसका जो अकाउंट, मेरे जो क्लाइंट है, उनका जो अकाउंटेंट था, वो उसके अकाउंटिंग कहाँ लीज में कर रहे थे। फिर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा पूरा, तो पता चला कि भाई ये तो अथॉरिटी तो उसको रिप्लेस कर सकता है एसेट्स को, जब रिप्लेस कर सकता है और ऐसा करना बेनिफिट में भी है, क्योंकि गेट नंबर 2 में सबसे ज्यादा आउटफ्लो है, उसको ज्यादा कोई और कोई मिलेगा, कोई और पर्सन मिलेगा, और कोई कैस्को के लिए ज्यादा पैसे देगा तो वो आपकी शॉप हटा देगा वहां से, और ऐसा करना उसके बेनिफिट में भी है, तो उसको सिर्फ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं। फिर अभी पहले लीज में कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे थे, उसका अकाउंटेंट को मालूम ही नहीं था।
सर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो क्या होगा, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो जो हम लोग जो रेंट पे कर रहे हैं ना उस कैस्को का अथॉरिटी को, वो पूरा पूरा पील में जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं उसको ऊपर कोई लीज का आईएस नहीं लगेगा, IFRS 2 नहीं लगेगा, सॉरी IFRS 16 नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से ये चीज आपको बहुत माइन्यूट सी चीजें जो आपको SBI में समझनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो FR में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, FR में भी थी लेकिन FR में हम या कोई भी टीचर, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम FR में इतना डिटेल में इसलिए नहीं जाते कि वहां पर जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके ऊपर, क्वेश्चन का मेथड अलग है वहां पे, वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा आपसे, अलग मेथोलॉजी से पूछेगा। SBR में सब चीजें पता होनी चाहिए कि वो पूछेगा अलग तरीके से, तो ये सब चीजें पूछेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं पूछने वाला आपसे। इसीलिए ये जो माइनर सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, SBR में, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया, आपकी कहीं बुक में नहीं है, और भी हम जो एग्जाम्पल देंगे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। क्यों सर देने पड़ेंगे? क्योंकि आपको आपको कंसेप्ट समझाना है, कंसेप्ट समझाने से पहले देने पड़ेंगे, तो आपको कंसेप्ट, तब आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना, हम आपको थ्योरी पढ़ा दें, आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ एक लाइन समझ में नहीं आएगा, आपको बताएंगे, आपको करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं आपको हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, आपको करके दिखाएंगे। तो हमने आपको पढ़ा दिया कंसेप्ट, कुछ समझ में आया, आप बोलोगे नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल करो, आप कंसेप्ट दोबारा पढ़ो, आप जब खुद से पढ़ लोगे ना, खुद से ही समझ आ जाएगा, हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या पढ़ाना है, जो टाइम लगाना है वो एग्जाम्पल में लगाना है, उस केस में लगाना है। तो कंसेप्ट समझाने के लिए या तो प्रैक्टिकल की हेल्प लेंगे, या फिर कोई केस, प्रैक्टिकल कोई केस होगा मेरे पास, उसकी हेल्प ले लेंगे, क्योंकि सीपी में भी है, सीपी में भी सेम है। तो सीपी में बहुत सारे केसेस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, हमको सीपी से भी एग्जाम्पल उठाने पड़ते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। खैर, इसलिए टाइम जाता है, इसलिए जो बुक है वो तो कवर करनी ही है, वो तो कवर, वो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। और प्लस जब कोर्स, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसके जो फ्लो चार्ट है वो भी आपको आपको मिलेगा। कोशिश करो आप खुद से बनाओ, ठीक है, आपको हम बताएंगे किस तरह से फ्लो चार्ट बना, क्योंकि आप जब अपने हाथ से बनाते हो ना, क्योंकि ओके यहाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लो, तरीका बस पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, SBR पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। फ्लो चार्ट, आपको फ्लो चार्ट बना के देंगे, फ्लो चार्ट से क्या होता है, पूरा चैप्टर पकड़ में आ जाता है, इस चैप्टर के अंदर है क्या, इस, क्योंकि हम लोगों को पेपर में कैसा होगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होगा, तो जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पेपर नहीं दे रखे, जैसे करण ने पेपर दिया हुआ तो करण को पता होगा, SBR को पेपर दिया उसको पता होगा, या फिर उसने AP का को पेपर दिया तो पता होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं होता, जैसे SBR के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर एक एक IAS रिलेटेड नहीं होगा, कम से कम 4 से 5 IASs होंगे उसके अंदर, एक क्वेश्चन होगा, पूरा केस होगा, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होंगी, पहला रिक्वायरमेंट IAS 36 की है, दूसरी IAS 38 की है, थर्ड रिक्वायरमेंट हो सकता है IAS 41 की, और फोर्थ रिक्वायरमेंट दूसरा IAS की, तो 5-6 IAS को मिला करके क्वेश्चन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा IAS रिलेटेड है, क्योंकि आपको जब टॉपिक पढ़ोगे, जब केस पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा IAS रिलेटेड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप लिखोगे कैसे, और ये कैसे पता करोगे कि ये कौन सा IAS रिलेटेड है, जब IAS पूरा आपके पूरे पकड़ में होगा, कि हम आपको बोलेंगे IAS 16 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि IAS 16 में ये 6 चीजें कवर हो रही है, ये 6 चीजों के बारे में बात करता है IAS 16, हाँ हालांकि 20 चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन आपके कोर्स में 6 चीजें, तो आपको 6 चीजें पता होनी चाहिए IAS 16 में, ये इस बारे में रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है, मेजरमेंट के बारे में बात करता है, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता है, डे रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है, और वैल्यूएशन के बारे में बात करता है, ये 5 चीजों के बारे में बात करता है मेरा IAS 16, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। IAS 40 ये 4 चीजों के बारे में बात करता है, लीज में ये 6 चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने ये 5 चीजें पढ़ी हम लोगों ने, ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, वो कैसे होंगे आपको बताएंगे, रीजन उसका तरीका भी बताएंगे, ठीक है, तो आपका माइंड का रिटेल पावर थोड़ा तेज कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। खैर, वो बताएंगे आपको चैप्टर उसके साथ में, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, तो कुछ टॉपिक ऐसा है एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोगों ने FR में नहीं कर रखा है, सॉरी CR बेस में, सॉरी, तो हम क्या कहाँ पे थे, हाँ, तो जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसा नहीं कि चैप्टर स्टार्ट कर दिया उठा करके सीधे, नहीं चले गई, नहीं कुछ समझ में नहीं आया आपको उस चैप्टर के अंदर क्या है, तो पहले दिन तो इसमें लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, क्या टॉपिक क्या है,
ये होगा ये चार चीजें होंगी, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो जब जब चैप्टर पढ़ने के लिए जाते हो ना तो आपको चीजें समझ में आती है। सर ये तो पहले ही आपने बता रखा था, इसे बोलते हैं प्री फेज ऑफ चैप्टर। वो आपको चैप्टर की वो एक स्टोरी तरह सुनाएंगे, एक स्टोरी तरह सुनाएंगे पूरा, और वो स्टोरी सुन के आपको आ रही है तो वैसे ही माइंड में आ जाएंगी आपके। आप मेरी बात ध्यान सुन रहे हो तो, आप मेरी बात ध्यान सुनोगे नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप मेरी स्टोरी सुन लो सर तो 50% तो आपका वहीं खत्म हो जाती है बात। IS-16 ऐसा नहीं है, जब IS-16 स्टार्ट करेंगे IS-40 स्टार्ट करेंगे तो पूरा चैप्टर IS-40 स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं तो उसके बारे में बात करेंगे पहले आपसे, आप क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं, क्या जरूरत है IS-40 पढ़ने की, क्या क्या केसेस आ सकते हैं, ये बारे में, इस बारे में बात करता है, इस बारे में बात करता है, इस बारे में बात करता है, इस बारे में बात करता है। तो पूरा पूरा प्रीफेस समझो पहले, एक दिन तो हर चैप्टर को, जो छोटे चैप्टर में अलग की बात है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट है, अप्रोक्सीमेटली हमको 80 मिनट्स सिर्फ चैप्टर का कोर एरिया समझाने में लग जाता है, क्योंकि आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं पता तो आपको बताएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर ये चार टॉपिक है, किसके बारे में बात करता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बात करता है टर्मिनेशन बेनिफिट के बारे में, एम्प्लॉय बेनिफिट्स IS-19 बात करता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में, तो ये चार चीजों के बारे में बात करता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, तो जो आप पहले तो आपको पता होना चाहिए जब IS-19 पढ़ेंगे तो हम लोग को बनना क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जब हम लोग IS-19 पढ़ेंगे तो हमको एम्प्लॉयर बन जाना है। आपको जो IS-19 पढ़ते टाइम पे मेरा जो माइंड होना चाहिए, माइंड का सेटअप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आई एम आई एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली तो एम्प्लॉयर ही तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अकाउंटिंग करेगा। अब रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जब चैप्टर पढ़ोगे तो क्या बनोगे आप बताओ, खुद से सोचो, लॉजिकली सोचो, जब लोग रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्या बनना चाहिए, तो आपका माइंड ज्यादा स्पीड से चले, सेलर बनना चाहिए आपको, सेलर, क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू की अकाउंटिंग कौन करेगा, सेलर ही तो करेगा। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो चैप्टर पढ़ते टाइम सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि हमको यहाँ पे रेवेन्यू के किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, रेवेन्यू चैप्टर है किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोग क्या बन जाना है इस चैप्टर के अंदर, हम लोग को एम्प्लॉयर बन जाना है, हम लोग जब शेयर बेस में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बन जाना है, हम लोग को एम्प्लॉयर फिर एम्प्लॉयर बनना है, हम लोग को नॉन करंट एसेट पढ़ना है तो हम लोग को क्या बन जाना है, हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमारा माइंड स्टेट क्या होना चाहिए। अगर आप इस तरह से थोड़ा पढ़ोगे ना, जैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लिखा होता है, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग जब रेवेन्यू, जैसे बार बार रेवेन्यू बोल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट IAS है, IFRS है, IFRS 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, मान के चलो मिनिमम 10 मार्क्स का पेपर आता है, मिनिमम 10 मार्क्स पेपर आता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 7 to 8 hours लगेंगे इसमें, 3 क्लासेस लगती है हमको, अब डिपेंड करता है कि हमारी जो क्लासेस होंगी 3 आवर्स की होंगी, वैसे हम कोशिश करेंगे 2.5 to 3 आवर्स की क्लास होगी मिनिमम हमारी, क्योंकि SBR में कोर्स ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा और हमको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता भी है। रीजन क्या है आपको बता दिया हमने पहले कि टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंसर्न रहता है कि सर 80 आवर्स में कराओगे क्या या 90 आवर्स में कराओगे क्या, क्योंकि बाकी तो 60 आवर्स में कंप्लीट करा रहे हैं बेटा, हमको 60 आवर्स में हमने कंप्लीट करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। फिर उसमें एग्जाम किट, जो लाइफ जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है मेरे पास में 12 साल 13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको हम कैसे शेयर करेंगे आपको, उसके लिए हमें भी तो टाइम चाहिए ना, हमें तो बोलने में, ऐसा तो नहीं कि बोलेंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा फिर आपके कोई क्वेश्चन आएंगे, इसलिए टाइम लगता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया, तो वो कंसर्न मत रखना अगर कंसर्न बिल्डिंग करनी है तो। ठीक है, तो सारी चीजें हमें वो करनी है, यहां तक जो हमने बोला उसमें किसी कोई डाउट है, यहां तक हमने जो बोला या किसी के माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो, क्योंकि जब तक हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे, कम्युनिकेट करोगे ना, आपको खुद को मजा आएगा। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन था? प्रिया, करण, शालिनी, अभी तो कुछ नहीं है बट बहुत सारे रीजन है और SBR मेरे साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिर्फ ये मत सोच के आना कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, पास तो वैसे भी आप कम
एक महीने सिर्फ हमसे पढ़ लेना, सिर्फ एक महीने, और हम आपको जो टॉपिक बता देंगे सिर्फ उतने पढ़ लेना तो भी पास हो गए, 50 मार्क्स तब भी आ जाएंगे। हम अभी बता दे रहे हैं आपको, डेमो सेशन बता दे रहे हैं, आप सिर्फ कंसल्टेशन कर लो, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 कर लो, ये चार चैप्टर कर लो कंसल्टेशन, और उसके बाद में आप सिर्फ फ्रेमवर्क कर लो और प्रोफेशनल चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 कर लो और चैप्टर नंबर 19 कर लो, बस चैप्टर 9 कर लो, आईएएस 19, इतने में पेपर आ जाएगा आपका, इतना सिर्फ करके चले जाओ, सिर्फ इतना ही, आपका अप्रोक्सीमेटली 50-60 मार्क्स इसके बीच में आ जाएंगे, सब अच्छे से करेगा, कंसेप्चुअली करेगा, इतना ही आ जाएगा, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी क्यों पढ़ना है, जैसे आपको बताया भी, करण ने बोला कि सर ये एग्रीकल्चर इन्वेंट्री खत्म हो गया, हो जाने दो, जब लोग स्टार्ट करेंगे तो देख लेंगे हमारे कोर्स में क्या है, ठीक है ना। लेकिन जरूरत क्या है एग्रीकल्चर की, क्यों हटा रहे हैं, एग्रीकल्चर हटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मेल किया हुआ है, तो ऑफिशियली अभी तो हमारे पास कुछ आया नहीं है आंसर कि हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं हटना चाहिए, इन्वेंट्री तो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। इन्वेंट्री हमको सिर्फ आप 100 आवर प्लस दोगे ना तब भी शायद इन्वेंट्री खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा टॉपिक है इन्वेंट्री और इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास तो टाइम कंस्टेंट है कि हम आपको बता नहीं सकते एक ही टॉपिक। अगर ये आप सिर्फ बात करें आईएएस 9 की, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 12, इतना बड़ा टॉपिक है, अगर हमको 300 आवर्स दोगे ना तब भी शायद कंप्लीट नहीं होगा, 300 आवर्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम पूरा 80 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, 300 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होगा, इतना बड़ा टॉपिक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जरूर ये नहीं है कि सर 300 आवर्स बहुत टफ होगा, नहीं टफ सब कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि हम लोग जब तक किसी चीज को होल सोल नहीं पढ़ते ना, पूरी तरीके से नहीं पढ़ते ना, तब चीजें टफ बन जाती है हमारे लिए। जब किसी चीज को आप होल सोल पढ़ते हो ना, पूरी तरीके से पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाती है चीजें, वही हम लोगों को करना है। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके, जब हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके हम लोग अगर चीजों को सिंपल बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है किसी भी क्लास में, ठीक है। हम एक्स्ट्रा पढ़ा करके अगर वो चीज को सिंपल बना देते तो क्या आपको प्रैक्टिकल लोड में भी काम आ जाएगा और आपके माइंड में भी रह पाएगा, एटलीस्ट हम आपको पढ़ाएं और आप 4 दिन में भूल जाओ तो गलती आपकी नहीं है, गलती फिर मेरी है कि हमने पढ़ाई ऐसे कि आप 4 दिन में भूल जा रहे हो। लेकिन अगर आप उसको कंसेप्चुअली पढ़ोगे, आप उसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे चीज को, तो आप भूलोगे ही नहीं कभी, उसको आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे, हम उसको आप स्टोरी तरह पढ़ा दें कि कंपनी में जाएंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो आपको वो चीज माइंड पिक्चर, एक फिल्म की स्टोरी, 3 आवर्स की स्टोरी क्यों माइंड में रहती है, क्योंकि वो सीक्वेंस होता है कि यहाँ पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अगर उसी स्टोरी में अगर आप पढ़ाई कर लो, आपके ऑब्वियसली बात आपके सामने कोई पिक्चर नहीं चल रही होगी, लेकिन अगर हम उसको एक कहानी तरह सुना दें, आपको पूरे टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाए और फिर आप उसको पढ़ो, तो आपके माइंड में भी चीज रहेगी और कंसेप्ट में भी क्लियरिटी रहेगी, ठीक है, जो कि मोटिव है वो करेंगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो मेरा भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन शायद हर संडे को मॉक टेस्ट पेपर रखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिसिंग राइटिंग स्किल्स थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा आप लोग का, हमें पता नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट हमको स्किल लेवल से पढ़ के आते हैं, उनको पता होता है आपके बारे में, लेकिन आप लोग बिल्कुल न्यू हमारे लिए, तो आपका क्या राइटिंग स्किल्स है, क्या है वो नहीं पता, तो मॉक टेस्ट पेपर अभी हम लोग वैसे 25 जब कवर कंप्लीट हो जाता है, 25 कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 25%, तो हर 25% के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर होगा, और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 4 मॉक पेपर होंगे आपके, ठीक है, वो तो होना ही है। लेकिन हर अभी मेरी प्लानिंग क्या बन रही है, इस बैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग हर संडे को भी स्टार्ट करने का, ठीक है, तो मॉक टेस्ट पेपर मॉक एग्जाम्स होंगे हर संडे को, तो अभी शायद डिसाइड नहीं है, लेकिन 25% कंप्लीट होने का एक टेस्ट पेपर होगा, तो 4 पेपर ये होगा और 4 पेपर 100% के होंगे, तो इस तरह से 8 मॉक टेस्ट पेपर होंगे। कोर्स तो सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस ओवर एंड अबव भी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब एग्जाम पेट करेंगे ना, हम कराएंगे एग्जाम पेट, आपको अप्रोक्सीमेटली मान लो कि आपको 60-70% एग्जाम पेट कराएंगे, मतलब जिसमें कंसल्टेशन के सारे क्वेश्चन होंगे पार्ट ए के, और पार्ट बी के भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि बेटा देखो कहीं नहीं लिखा है ऐसी चीजें, कहीं नहीं लिखी आपके एग्जाम आपके स्टडी टेक्स्ट में, ना कपिला ने दी, कहीं नहीं लिखी मिलेंगी आपको,
फिर भी इसके पास क्वेश्चन आए हैं, सॉरी फिर भी इसके पास क्वेश्चन आए हैं, आपको देख लो खुद ही जो पास पेपर के ही क्वेश्चन है वो कैसे डेवलप कर पाओगे, वो डेवलप तभी कर पाओगे जब एग्जाम फिट करोगे, जब पास पेपर सॉल्व करोगे, तो वो प्रैक्टिसिंग बहुत करनी है और ऐसा नहीं कि बैठ करके मगअप कर लेना है, बस आपको एक स्टोरी का पढ़ लो, हम आपको एक स्टोरी कर बता देंगे ये क्वेश्चन है इसको मेरी स्टोरी सुन लो, बस आपका पूरा एग्जाम पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आप एक बार अपने मन अपने अपने हिसाब से पढ़ लो, आपको मगअप नहीं करना है कोई भी चीज को, बस समझना है ये क्वेश्चन है इसका आंसर है, और आंसर नहीं कि बैठ के एक चीज, लेकिन आप मेरी स्टोरी सुन लो, बस मेरे आंसर सुन लो, ठीक है। तो 100% कवर कंप्लीट करना है हम लोग को, पूरी स्टडी टेस्ट तो कंप्लीट करनी है, स्टडी कंप्लीट करना है, एग्जाम किट अप्रोक्सीमेटली 70% का कंप्लीट करेंगे, 30% जो हम छोड़ेंगे आपको घर से करने के लिए देंगे, उसमें कोई डाउट होगा डाउट, जिसकी वजह हर संडे को डाउट सेशन होने ही वाला है, डाउट सेशन करने ही वाले हैं, रिविजन जो हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आप बोलोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एसबीआर काफी बड़ा है तो हर एक टॉपिक का रिविजन नहीं हो सकता, आप बोलोगे तो हम करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पास्ट प्रैक्टिस है वो यही होती है कि हम आपको बोल देते हैं कि बेटा आपको जो टॉपिक चाहिए, आपको लगता है कि सर ये चार टॉपिक है, करण ने बोला सर ये चार टॉपिक करा दो, प्रिया ने बोला सर ये चार टॉपिक करा दो, शालिनी ने बोला सर ये दो टॉपिक करा दो, इसने बोला कि सर ये एक टॉपिक करा दो, इतने टॉपिक आपको रिवाइज करा, तो वो जो आप क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी उसी टॉपिक के बेसिस पे आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा उससे, तो रिविजन इस तरह से रखते हैं हम लोग, पास पेपर अपने को सॉल्व करना ही है, एग्जाम किट से नॉर्मली सॉल्व करेंगे, पास पेपर जो डाउनलोड कर लेंगे उससे भी सॉल्व करेंगे, डाउट सेशन हर संडे को होने वाले हैं, पेपर कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा ही होगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जिस दिन तक आप पेपर नहीं होता उसके पहले तक आपके कोर्स क्लास चलता ही रहेगा, बराबर डाउट सेशन का क्लास चलता रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपको पता होगा फिनटाइम गोल्ड अप्रूव एसीसीए लर्निंग पार्टनर है, ठीक है। हाँ, और दूसरा अगर मान लो वैसे हम आप लोग सब यही कोशिश करना कि लाइव क्लास ज्वाइन करना, तो ज्यादा लाइव क्लास ज्वाइन करना और प्लस क्वेश्चन पूछते रहना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं माइंड में, तो क्वेश्चन पूछते रहना, अगर बाय चांस की बात अगर कोई क्लास रह जाता है आपका, कोई ऑफिस का कोई प्रॉब्लम है या किसी का भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कहीं जाना है, तो आपको रिकॉर्डिंग सेशन उस क्लास का मिल जाएगा, ठीक है, उसमें भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली हेल्प होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और अब वेबसाइट स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, एक ओपन कर देते हैं एक बार, वेबसाइट है ये हमारा फिनटाइम का, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो, ये आपको फोन नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, वेरी सुन आप एसबीआर के बैचेस सारे स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, जो आज डेमो में ऑब्वियसली बात नहीं आए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो डेमो में नहीं आए, वो लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर चुके हैं, तो दो तीन या चार दिन में आई थिंक आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर लेना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एसबीआर कब से स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट ऑफली दो या तीन दिन से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ट्यूजडे वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, तो आप उसको इंक्वायरी कर लेना, बाकी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो नंबर आपके पास स्क्रीन में आ रहा है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हो, यहाँ से आप मेरा नंबर भी ले सकते हो, ठीक है ना, आपको मेरे कोई पर्सनल हेल्प चाहिए बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना, किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी कोई डाउट है किसी को, सर वीकली और फॉर्टनाइटली, सर व्हाट यू विल शुड बी फॉर द लाइव क्लासेस, नहीं बेटा डेली क्लासेस होगा आपका, करण पूछ रहा है कि सर अगर क्लास कैसे होगा, वीकली और फॉर्टनाइटली, फॉर्टनाइटली नहीं होगा, डेली क्लासेस करेंगे हम लोग, क्योंकि कोर्स तभी कंप्लीट हो पाएगा, 100 आवर्स कंप्लीट करना है, अगर आपको मार्च अटेम्प्ट के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आपको डेली क्लासेस करना पड़ेगा, डेली अप्रोक्सीमेटली 2 से 2 1/2 आवर की क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है, डेली होगा, वीकली नहीं होगा, मतलब इवन सैटरडे संडे को तो कंपलसरी क्लास होगा ही होगा, सैटरडे संडे को मेरा जो मेन रहता है, मेरा मेन रहेगा ये रहेगा कि आपके जो डाउट्स है वीक के जो डाउट्स है वो आपके सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद से आपको जो आईएएस है वो तो चलते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपको कंसोलिडेशन भी स्टार्ट करना है, कंसोलिडेशन में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपने को, ठीक है, क्योंकि मेरा कंसोलिडेशन पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीका है, आपको एक क्लास ज्वाइन करोगे खुद ही होने जाएगा कंसोलिडेशन, क्योंकि आपने एफआर में करके आए होंगे, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा सर ये क्या करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमको हम प्रैक्टिकल तरीके से कराते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ड में हम लोग कैसे करते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है, तो जर्नल एंट्री के थ्रू, पूरा जर्नल एंट्री थ्रू कराएंगे, एक एक चीज एक एक लाइन बोलेंगे उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे, ये आईएस 3 में लिखा हुआ, आईएफआरएस 3 में लिखा हुआ, इसकी जर्नल एंट्री, आईएस 10 कंसोलिडेशन में इसकी जर्नल एंट्री, हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे ना, तो चीजें मजा आएगी पढ़ करके, और आपको तभी बेनिफिट भी है, ठीक है, ठीक है, और किसी को डाउट है तो क्लास बेटा डेली ही रहेंगी अप्रोक्सीमेटली, वीक में एटलीस्ट 4 क्लासेस को करेंगे, 4 क्लासेस तो होंगी होंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग वीकेंड, और कोई डाउट है किसी को, प्रिया
सर टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा बेटा? मॉर्निंग अभी हम लोग ने टाइमिंग को डिसाइड करा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि अभी जो मेरे पास स्टूडेंट है वो कुछ लोग का मॉर्निंग में चाहिए कुछ का, क्योंकि एक्चुअली वैसे मेरा प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रेफरेंस क्योंकि वर्किंग है, दो तीन स्टूडेंट है जो बिग फोर में काम करते हैं जो मेरे पास्ट स्टूडेंट भी हैं, तो उनको मॉर्निंग में चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली उनको ऑफिस वगैरह जाना है, तो मॉर्निंग में ही रखेंगे वैसे 7 to 9, 7 to 9:30 तक रखेंगे। ओके आप वर्किंग हो? यस आई एम वर्किंग। ओके तो मॉर्निंग में ही वैसे रखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल लेवल के हैं और वर्किंग है, सारे अप्रोक्सीमेटली वर्किंग है हमारे, तो मॉर्निंग में रखेंगे। मेरा टाइमिंग 1:30 to 11 PM है। अच्छा यूके टाइमिंग है। ओके यस हां, सो इन केस अगर मॉर्निंग में रहेगा तो हां नहीं मॉर्निंग ही रखने वाले। ओके यूके टाइमिंग में होगा आपका ऑफिस इस वजह से। कौन सी कंपनी में हो क्लियर? सर क्यूएक्स ग्लोबल ग्रुप। QX Global, okay, great. I'm also consultant at QX Global actually. Oh, nice. I'm a consultant over here. Okay. ठीक है। करण, करण बेटा कोई doubt किसी को? करण, शालिनी, स्नेहा? No sir. Great. ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। Next class में register करा लो जल्दी से। क्लास स्टार्ट करने के लिए, ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्च में अगर जाना है तो टाइम चाहिए हमको भी, आपको हमने रीजन बता दिया कि क्यों टाइम चाहिए, ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है टिल देन एंजॉय, बाय बाय, थैंक्स, बाय बाय सर, वेलकम बेटा, बाय बाय।